अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन, सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। देखते हैं आज की अहम खबर। आज की हमारी ये खबर, कल के दिन हमने आपको जो खबर दिखाई थी एक मासूम लड़के को लेकर, एक मासूम लड़का जिसकी उम्र सिर्फ 7 साल, जिसका नाम यासीन था, जो कि अपने वालिद साहब से 10 रुपये लेकर फ्रूटी लाने के लिए घर से बाहर निकला। घर से बाहर निकलने के बाद वो घर को वापस नहीं आया। उस लड़के के साथ अननेचुरल सेक्स कर उसका कत्ल कर दिया गया। लेकिन हम तारीफ करते हैं पुलिस की, एक ही दिन में पुलिस ने उस खातिल को अपनी हिरासत में ले लिया। वहीं पर पहाड़ी शरीफ की आवाम ने एक धरना दिया और ये मुतालिबा किया कि इस खातिल को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। बेशक कड़ी से कड़ी सज़ा देना चाहिए ऐसे दरिंदा सिफत इंसानों को। आइए हम आपको दिखाते हैं पहाड़ी शरीफ की धरने वाली रिपोर्ट। तो जी पिछड़ो जी पिछड़ो जी आज गिर्रा कुंडे के नौजवानों ने और मजलिसे इत्तेहाद मुस्लिमीन के सीनियर रुक हबीब हसन साहब और हमारे हर्दी अजीज असलम याबोई साहब, तैयब दयनी साहब और यहाँ के नौजवानों ने मिलकर एक पुरामन रैली का अहतमाम किया, ताकि जो परसों हादसा हुआ है बच्चे के साथ लाजेबा हरकत की गई है और उसको मौत के घाट उतारे गया है। लेकिन उस मामले में पुलिस को भी मैं सलूट पेश करता हूँ कि जो पुलिस ने 5 मिनट में वहाँ पे पहुँची और उसके बाद वो CCTV के जरिए उस मुलजिम को पकड़ा है। अब ये तमाम हीरो यानी नौजवानों का मुतालबा है कि दोबारा ऐसा ना होना, तो उसके लिए हमारी तेलंगाना पुलिस, हमारी हुकूमत तेलंगाना ऐसा काम, ऐसी सज़ा उनको दे कि ताकि दूसरा करने वाला भी कांप जाए, सोचे पे मजबूर हो गए। उसके लिए ये रैली का अहतमाम किया गया है और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के हसन बिन गालिब साहब और हमारे MPTC के अहमद कसादी साहब और उस्मान गालिब साहब, हम तमाम मिलकर ये जर्नलिस्टों को भी सलाम करता हूँ कि इन्होंने रोजे की हालत में जोहर से यहाँ पर बैठकर अपना काम और अपने जो है काम करने में अंजाम दिया और हक की आवाज़ उठाने के लिए इंतजार किया। उन जर्नलिस्टों को सलाम, उन जो है जो यहाँ पे नौजवान रोजगार निकाले उनको सलाम और पुलिस को भी सलाम। पुलिस काम कर रही है, आगे और अच्छा काम करे, फुलतीमा ना ऐसा काम कर सके, ऐसी सख्त सख्त सजा दे उनको और आपात बंधु के जरिए उस बच्चे के गरीब माँ बाप को हुकूमत तेलंगाना के जरिए जरूर जो भी हो सकेगा, असदुद्दीन अवैसी अकबरुद्दीन अवैसी साहब का मकतूब लेकर तेलंगाना के हमारे MRO ऑफिस में करुणनगर मंडल में डालकर आपात बंधु के जरिए उनको किसी भी तरह से उनके माँ बाप को माली इमदाद के भी लिए कोशिश करेंगे और इधर उनका जो मुलजिम घटा है उसको कैफर किरदार तक सख्त से सख्त सजा देने के लिए भी काम करेंगे। फिर एक बार मैं नौजवानों ने हैदराबाद तेलंगाना और एराकुंडे के नौजवानों का, असलम भाई का, हरी वसन चिट्टा का, बुजुर्ग शख्सियत का, तैयब दहीनी साहब का और तमाम यहाँ के रियल लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो उन्होंने रोजे की हालत में अपने जो है ना वक्त निकाल कर मस्जिद के आसर की नमाज के बाद एहतमाम किया। फिर एक बार पुलिस अच्छा काम कर रही है, ठीक है, अच्छे से सबसे सख्त सजा कार्रवाई देगी, सजा दे पुलिस तो बड़ी मेहरबानी होगी। आज बमकाम मस्जिद उमर फारूक खेरा घूमते पे मरहूम यासीन जो मजलूम है, जिसकी जो है एक दरिंदा हैवान इंसान ने मजमूम हरकत करते हुए इस मासूम बच्चे को मौत के घाट उतार डाला है, तो हम हुकूमत के तेलंगाना से ये मुतालबा करते हैं कि आए दिन जो ये हादसात हो रहे हैं इसकी रोकथाम अगर हुकूमत करना चाहती है तो हम हैदराबाद के इंडियन मुस्लिम हैदराबाद से ये गुजारिश करते हैं कि अगर इस किस्म का जराइम को रोकना चाहते हो तो फिर जो हमारा इस्लामी निज़ाम है उस इस्लामी निज़ाम के कानून से कुछ असरात लेते हुए कानून में तब्दीली करे और ऐसे चुनिंदा हैवान सिफत इंसान को इंक्वायरी के बाद जब तमाम इंक्वायरी मुकम्मल हो जाए तो किसी चौरस्ते पे या तो उसको फांसी से लटका दिया जाए या उसको गोली मार दिया जाए। हम तमाम
हिंदुस्तान के लोगों से भी यही कहते हैं कि जहाँ जहाँ पर भी अगर इस किस्म का रेप या मासूम बच्चों के साथ इकलामबाजी होती हो तो ऐसे मुजरिमों को आफ्टर द इंक्वायरी पुलिस और गवर्नमेंट गोली मारने हैंग कर दिए। यही मेरे अखबार है, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अब A1 टाउनशिप शमशाबाद और मोइनाबाद के बाद एक और शानदार प्रोजेक्ट लाए हैं नियर जहांगीर पीर दरगाह कोतूर, जो कि बैंगलोर हाईवे से 6 किलोमीटर जॉनसन एंड जॉनसन और नाटको फार्मा जैसी मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जहां घर बनाकर रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, गवर्नमेंट हॉस्पिटल और बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियत दस्तियाब। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। एड्रेस पिलर नंबर 235, अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। 7569992891